गाइस आज तक आप लोगों ने फ्री फायर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स का गेम प्ले देखा होगा, लेकिन हमारे फ्री फायर के अंदर तो इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो गाइस क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारे फ्री फायर का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? गाइस अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है तो गाइस आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पाए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे वर्ल्ड के 5 सबसे खतरनाक फ्री फायर प्लेयर्स दिखाने वाला हूं, जिनका गेम प्ले इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है ना कि अगर उनके सामने 50 हैकर भी आ जाएं तभी वो लोग अकेले उन 50 हैकर को आराम से मार देंगे। और गाइस ये चीज जानकर आपको बहुत खुशी होगी, आज मैं आपको जो 5 प्लेयर्स दिखाने वाला हूं उनमें से 2 प्लेयर्स तो हमारे इंडियन सर्वर से हैं। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को हमारे इंडियन सर्वर से देख रहे हो तो भाई आज की वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर टॉप 1 पे जो प्लेयर होने वाला है उसका गेम प्ले भाई सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो फिर वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप लोग मेरी हर वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय कर पाओ। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे प्लेयर नंबर 5 के साथ। गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पे जो प्लेयर आता है उसका नाम है स्मूथ 444, जिसको आप लोग हमारे इंडियन सर्वर का व्हाइट 444 बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग इस बंदे का गेम प्ले देखोगे तो गाइस आपको ऐसा ही लगेगा कि आप लोग व्हाइट 444 का गेम प्ले देख रहे हो। ये कभी कभी तो ये बंदा ऐसा खेलता है ना कि मानो ये बंदा व्हाइट 444 को भी हरा दे। इस बंदे की एक्यूरेसी भाई इतनी ज्यादा है ना कि अगर इसके सामने कोई भी बंदा आ गया और उसके पास अगर डेजर्ट ईगल है तो फिर तो सामने वाले बंदे का बचना एकदम इम्पॉसिबल है। और गाइस एक चीज जानकर आपको खुशी होगी, ये बंदा हमारे इंडियन सर्वर से ही, और अगर कभी भी हमारे इंडियन सर्वर में बेस्ट पीसी प्लेयर्स की बात आती है तो गाइस स्मूथ 444 का नाम उसमें जरूर होता है, क्योंकि इस बंदे ने अपने गेम प्ले को अच्छा करने के लिए भाई बहुत मेहनत करी है, तब जाकर इस बंदे का गेम प्ले ऐसा हुआ। चलो फिर आप लोग सबसे पहले तो स्मूथ 444 का थोड़ा सा गेम प्ले देखो, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। करने के लिए 20-25 एक ही मैच में निकालने के लिए, क्योंकि स्मूथ की 12-15-16 तक जारी है और एनएक्स ने भी अच्छे किल निकाले हैं, वियतनाम की किल 20 कर चुकी है। अरे भाई गजब, अरे भाई नोक को यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है 1v2 पर स्मूथ अकेले प्लेयर हैं। भाई अभी बट एक शॉट कनेक्ट और यहाँ पे भाई रेड के अलावा तो ये बंदा कुछ मारता ही यहाँ पे नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देखा इस बंदे के सामने यार पूरे 4 बंदे थे, वो भी सब अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन इस बंदे ने उन 4 बंदों को कितनी आसानी से अकेले मार दिया, वो भी ओनली हेडशॉट। और इस बंदे की इसी गेम प्ले की वजह से बहुत सारे बंदे स्मूथ 444 को हैकर भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्मूथ 444 का पीसी बहुत से बंदों ने चेक करा है एंड वहां पर ये चीज प्रूफ हो गई है, ये बंदा कोई हैकर नहीं है बल्कि एक फेयर प्लेयर। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्मूथ 444 का गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो गाइस ये था हमारा प्लेयर नंबर 5, अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा प्लेयर नंबर 4। बेस्ट प्लेयर्स ऑफ फ्री फायर की लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे जो प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है विंसेंसो, जिस बंदे को आप लोग सिटअप ग्लू वॉल और इमोट हेडशॉट का फाउंडर बोल सकते हो, क्योंकि गाइस विंसेंसो ये बंदा है जिसने फ्री फायर के अंदर सबसे पहले इमोट हेडशॉट निकाला था, और अभी आप लोग ये जो गेम के अंदर फास्ट ग्लू वॉल लगाते हो इसको भी विंसेंसो ने इन्वेंट करा था। और इन चीजों के अलावा भी अगर हम लोग बात कर ले गेम प्ले की तो गाइस विंसेंसो का गेम प्ले भाई सबसे ज्यादा यूनिक है। आज से लगभग 2 साल पहले अगर आप लोग किसी बंदे से पूछते कि फ्री फायर का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, आपको सभी बंदों से बस एक ही जवाब मिलता और वो था विंसेंसो। और फ्री फायर के जो प्लेयर्स थे वो विंसेंसो को पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर ऐसे नहीं बोलते, उस टाइम के हिसाब से विंसेंसो का गेम प्ले बहुत ज्यादा फास्ट था, उस टाइम में भी ये बंदा इतना ज्यादा एक्यूरेट खेलता था कि मानो कोई हैकर खेल रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं विंसेंसो कोई हैकर नहीं है बल्कि बंदा मीना सर्वर का वन ऑफ द फेयरेस्ट प्लेयर है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बंदे हैक यूज करते हैं लेकिन विंसेंसो हैक यूज नहीं करता है। तो चलिए फिर मैं आपको विंसेंसो का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं, इसके बाद मैं आप लोग खुद बताना कि आपको विंसेंसो का गेम प्ले कैसा लगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा चाहे इस बंदे के पास कोई AR गन हो, डेजर्ट ईगल हो या फिर AWM क्यों ना हो, ये बंदा किसी भी गन से सामने वाले बंदे को बहुत आसानी से हेडशॉट मार सकता है। अभी तो विंसेंसो को पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में गिना जाता है। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज पता थी कि विंसेंसो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो चलो गाइस ये तो था हमारा प्लेयर नंबर 4, अभी हम लोग बात करते हैं हमारे प्लेयर नंबर 3। बेस्ट प्लेयर्स ऑफ फ्री फायर की लिस्ट में नंबर 3 पर जो प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है व्हाइट FF, और आप लोग ध्यान से सुनना, यहां पर मैं व्हाइट 444 की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं बात कर रहा हूं व्हाइट FF की। तो गाइस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने आपको जितने भी प्लेयर्स दिखाए हैं उनमें से ज्यादातर बंदे पीसी प्लेयर्स थे, लेकिन ये बंदा इस लिस्ट के अंदर एक लौता ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल प्लेयर है। लेकिन इस बंदे के गेम प्ले को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि ये बंदा एक मोबाइल प्लेयर है, क्योंकि ये बंदा मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा एक्यूरेट खेलता है कि कोई पीसी प्लेयर भी नहीं खेल पाए। लिटरली इस बंदे का गेम प्ले तो ऐसा है ना कि इसको देखकर हर बंदा बोलता है कि ये बंदा एक हैकर है, क्योंकि ये बंदा एकदम से स्कोप ओपन करता है और सीधा सामने वाले बंदे के हेड मार देता है। और अगर आप लोग इस बंदे का गेम प्ले देखोगे तो वहां पर आपको कोई भी येलो नंबर देखने को मिलेगा ही नहीं, और इसी वजह से बहुत सारे बंदों को लगता है ये बंदा कोई हैकर है। मैं आपको बता दूं ये बंदा खेलता है आईफोन में जिसमें हैक यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसका मतलब 90% ये बंदा एक फेयर प्लेयर है। तो चलो फिर आप लोग इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले देखो एंड फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं, और तभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ये बंदा ऐसे हेडशॉट मारता कैसे है।
देखा ये बंदा यार कितना ज्यादा फास्ट खेलता है, और शायद अगर इस बंदे का मैंने गेम प्ले 10 मिनट और देख लिया ना तो भाई मुझे चक्कर आने लगेंगे यार। ये बंदा अपनी स्क्रीन को एक सेकंड भी सीधे नहीं रखता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और अभी बात आती है कि आखिरकार ये बंदा ऐसे हेडशॉट मारता कैसे, तो मैं आपको बता दूं इस बंदे ने फ्री फायर के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस ढूंढे हैं जिससे ऑटो हेडशॉट लगता है, जैसे कि सेटअप हेडशॉट और जंप हेडशॉट। लेकिन जो इस बंदे ने ग्लिचेस ढूंढे हैं उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस बंदे ने प्रैक्टिस करके उन सारे ग्लिचेस को एकदम परफेक्ट कर लिया और अब ये बंदा एकदम हैकर जैसे खेलता है। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको व्हाइट एफएफ का गेम प्ले कैसा लगा। तो फाइनली गाइस यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया अपने पूरे तीन प्लेयर्स, अभी पार गए थे हमारे टॉप टू प्लेयर। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी लिस्ट के अंदर टॉप टू पर कौन है मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स ऑफ फ्री फायर की लिस्ट के अंदर। नंबर टू पर जो प्लेयर आता है वो बंदा किसी हैकर से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने खुद हैकर को हरा रखा। गाइस अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसा कौन बंदा है जिसने 1v1 के अंदर हैकर को हरा दिया। गाइस वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर व्हाइट 444। आप लोग खुद बताओ अगर फ्री फायर के अंदर बेस्ट प्लेयर्स की बात आती है उसके अंदर व्हाइट 444 का नाम ना हो भला ऐसा हो सकता है। अब मैं जानता हूं जैसे मैंने व्हाइट 444 का नाम लिया आप इनसे बहुत सारे बंदे कमेंट करने में लग जाएंगे भाई व्हाइट 444 हैकर है। लेकिन गाइस मैं आपको ये चीज बता दूं अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि व्हाइट 444 सच में हैकर है या फिर नहीं। ऐसे तो हम लोग किसी बंदे को हैकर नहीं बोल सकते क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे बंदे रायस्टार को भी हैकर बोलते थे, लेकिन आगे चलकर ये चीज प्रूव हो गई कि रायस्टार हैकर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट 444 हैकर ना हो बल्कि फेयर प्लेयर हो। चलो फिर मैं आपको व्हाइट 444 का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। तो गाइस आप लोगों ने देखा व्हाइट 444 भाई कितना ज्यादा खतरनाक खेलता है, मतलब अगर इसके सामने कोई भी बंदा ओपन में आ गया तो भाई उसके हेड तो 100% पड़ेगा। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज पता थी कि व्हाइट 444 हमारे फ्री फायर के बेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर आता है। तो चलो गाइस यहां तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सारे प्लेयर्स देख लिए, अभी बाकी है बस लास्ट का एक प्लेयर। और आप लोग भी सोचोगे भाई जब व्हाइट 444 सेकंड पर आया है तो टॉप 1 पर तो कौन होगा। तो चलो फिर मैं आपको प्लेयर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जितने बंदों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट प्लेयर्स ऑफ फ्री फायर की लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर जो प्लेयर आता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडियन सर्वर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर रायस्टार। और गाइस रायस्टार को मैंने टॉप 1 पे ऐसे ही नहीं रख दिया, इसके बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अभी आप लोग फ्री फायर के अंदर ये जो वन टैप हेडशॉट मारते हो इसको हमारे इंडियन सर्वर में लाने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि रायस्टार था। अभी के टाइम में फ्री फायर के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें से 95% बंदों ने रायस्टार के बाद फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा। जिस टाइम पे ज्यादातर बंदों से बॉडी शॉट भी नहीं पड़ते थे उस टाइम पे रायस्टार मारता था हेडशॉट, जिसकी वजह से फ्री फायर के बहुत सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग बहुत सारे यूट्यूबर रायस्टार को हैकर बोलते थे। लेकिन आगे जाकर ये चीज प्रूव हो गई कि रायस्टार को हैकर नहीं है बल्कि फेयर प्लेयर है। अब आप लोग खुद बताओ जो बंदा इतना पुराना प्लेयर हो जिसका गेम प्ले स्टार्टिंग से इतना अच्छा हो वो बंदा टॉप 1 तो डिजर्व करता है। तो चलो गाइस ये था आज के हमारे फ्री फायर के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स। अब मैं जानता हूं आपके बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स वीडियो के अंदर रह गए होंगे, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करा दे तो 100k लाइक्स तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर आपके फेवरेट प्लेयर्स भी होंगे। तो आप लोग भी अपने फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं आपके फेवरेट प्लेयर को भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाऊं। चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।